नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन दीपक अब आपके सामने फिर से एक बार फोटोशॉप के लेक्चर्स लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स रहे हैं वो वर्जन से रिलेटेड रहे हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हमको जानकारी दी गई थी, ब्लेंडिंग के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, कलर्स के बारे में जानकारी दी गई थी। इस बार का जो हमारा लेक्चर है वो फोटोशॉप में टेक्स्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर है। जैसे कि एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं, वैसे हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, मगर एमएस वर्ड जैसा तो ऑप्शन नहीं है, मगर फोटोशॉप में टेक्स्ट का भी उपयोग हो सकता है और अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो कुछ एक तरीके आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। हम शुरू करते हैं फोटोशॉप के लेक्चर्स जिसमें टेक्स्ट के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि हमारा ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, फोटोशॉप का स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है, जहाँ पे हमने कैनवस को पहले से ही एक न्यू कैनवस ओपन करके रखा हुआ है, क्रिएट किया है। कैसे होता है, फाइल में न्यू में ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो हमने 600 विड्थ और 600 हाइट और 72 रिजोल्यूशन पे इस स्क्रीन को, इस कैनवस को हमने क्रिएट किया है। अब ये कैनवस हमारे सामने है, इस पर हम टाइपिंग टूल सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखें टूल बार में एक टाइपिंग टूल आपको दिखेगा, टाइप टूल जिसका नाम है, उसे क्लिक करेंगे। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो टाइप का निशान भी आपको दिखेगा जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, जिस जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है फोटोशॉप, अब फोटोशॉप लिखा है तो अब ऊपर आप देखेंगे रेड कलर से हमने बाउंड्री बनाई है। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करना शुरू करते हैं उसी वक्त वहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन वहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं। आप वहाँ पे टेक्स्ट का फेस चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अब हम फोटोशॉप में के जो टेक्स्ट लिखा हमने लिखा हुआ है, इसका टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम उसका फेस चेंज करेंगे, उसका साइज चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसका कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो जिस टेक्स्ट को हमने फॉर्मेट करना है उस टेक्स्ट को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम पहला ऑप्शन क्या करते हैं, वहाँ से हम उसका फेस चेंज करेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट आपके जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे फोटोशॉप आपको यहाँ पर शो करेगा। उसमें से हमने चूज़ करा है टाइम्स न्यू रोमन। जैसे उसको चूज़ करेंगे वैसे आपका फॉन्ट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। अब हम फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर रहे हैं 60। उसका फॉन्ट का साइज सेलेक्ट करते ही उसका साइज बढ़ जाएगा। अब हम फॉन्ट के कलर को चेंज करेंगे और हमने यहाँ पर कलर को चेंज करके उसका कलर दे दिया है रेड। और इस बॉक्स में क्लिक, उस पर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये बॉक्स खुला, बॉक्स पर हमने रेड कलर चूज किया और अब इसको ओके कर दिया। अब हमारे पास जो फोटोशॉप लिखा हुआ टेक्स्ट था वो रेड हो गया। अब हम मूव टूल पर क्लिक कर देंगे तो अब फोटोशॉप जो है आपका टेक्स्ट आपके सामने देख ले जाएगा। और उस मूव टूल से मैं इस फोटोशॉप टेक्स्ट को इस कैनवस पे कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। जैसा कि उदाहरण तौर पे हम इसको मूव करके आप देख सकते हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि ये टेक्स्ट हम किसी और फोटो पे, इमेजेस पे एडिटिंग के वक्त कैसे इस्तेमाल करके उसकी पिक्चर्स को खूबसूरत बना सकते हैं, उसको हम किसी के लिए कार्ड बना सकते हैं, कुछ भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये फोटोशॉप टेक्स्ट को आप मूव करके देख सकते हो, इस पे और भी टेक्स्ट लिख के देख सकते हो, इस वाइट कैनवस पे आप पूरा लेटर टाइप कर सकते हो, इसमें सारे अलाइनमेंट, सारे फीचर्स जो एमएस वर्ड के हैं लगभग सभी कुछ यहाँ पर दिया जाता है, इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस फोटोशॉप के टेक्स्ट को या फिर किसी और टेक्स्ट को हम किसी फोटो पर कैसे एडिट करेंगे, हम किस तरीके से उसको ब्लेंड करेंगे आपके टेक्स्ट को फोटो के साथ। ये हमने एक फ़ोटो ली है जिस पर फ्लावर्स हैं पर्पल कलर के और उस पर कुछ ड्यू, कुछ ओस की बूंदें भी दिख रही हैं। तो इसको हम गुड मॉर्निंग का एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जो हम ई कार्ड की हैसियत से किसी को हम सेंड भी कर सकते हैं वाया ईमेल। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस फोटो में हम कुछ चेंजेस करेंगे और इस फाइल को हम PSD फॉर्मेट में भी सेव करेंगे और JPG में भी सेव करेंगे और फिर JPG का इस्तेमाल देख पाएंगे कि हम किस तरीके से उसको हम बिना फोटोशॉप के भी कहीं और भेज के इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से एक टाइप टूल लेंगे और यहाँ पर टाइप कुछ करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है ब्यूटीफुल पेटल्स हैविंग ड्यू
सेज, वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, हमने कुछ टाइप किया, फिर से हमने अब क्या करा, इस टाइप टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो आप इसमें पैलेट देख रहे हैं, एक करेक्टर का जो पैलेट्स ऑप्शन से आता है, वहाँ पे मूव टूल के माध्यम से ये पैलेट से हम काम कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड बार में वो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो हमने मूव टूल लिया और हमने इसका कलर चेंज किया, जो हमने पर्पल कलर लिया है। और अब हम एक और टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, फिर से टाइप टूल लेंगे, फिर हम फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है अ ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग। अब इस फॉन्ट को भी हम कुछ आर्टिस्टिक वे में चेंज करना चाहते हैं, तो हम फिर से करेक्टर पैटल में पैलेट में जाएंगे और वहाँ से फॉन्ट चूज करके चेंज कर देंगे। हमने इसको चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद हम लेयर पैलेट में जाएंगे। लेयर पैलेट में आप चेक करेंगे कि दोनों टेक्स्ट जो हमने लिखे हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग लेयर्स भी बन गई हैं। तो अब ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग की जो लेयर बनी हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम एक ऑप्शन होता है ऐड लेयर स्टाइल, उसे क्लिक करेंगे और उसमें एक ऑप्शन है आपका जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, उसको क्लिक करेंगे और स्ट्रोक में जाकर उस स्ट्रोक का कलर हम वाइट कर देंगे। तो आपको वो पिक्चर में भी उसके जो बॉर्डर है वो वाइट नज़र आने लग जाएगा, जो डार्क कलर होने की जो नज़र नहीं आ रहा था डार्क कलर की वजह से, वो भी अब उभर के सामने आने लगेगा। अब हम इसी ऑप्शन, इसी बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉप एंड शेडो, ड्रॉप शेडो ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट पर शेडो भी आ जाएगी और हम यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये पिक्चर आपके सामने इस तरीके से सामने आ जाएगी। एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दूँ, देखिए जो हमने इफ़ेक्ट दिए हैं लेयर स्टाइल के, वो लेयर्स में आप सेपरेट तरीके से दिखाता भी है, वो शो भी कर सकते हैं। उसकी आइज़ क्लोज करेंगे तो वो इफेक्ट हट भी जाता है। तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें लेयर वाइज सेपरेट सेव हो चुकी हैं जो ओरिजिनल फाइल में है। कभी ज़रूरत पड़ने पर मैं इसमें कुछ चेंजेस भी अपने अनुसार कर दे सकता हूँ। तो अब इस फाइल को हम सेव कर देंगे। दो फॉर्मेट में सेव करना पसंद करेंगे, एक तो PSD फॉर्मेट में और एक JPG फॉर्मेट में। PSD फॉर्मेट इसलिए सेव किया जाएगा जिससे कि हम ओरिजिनल फाइल को रखें और कभी ज़रूरत पड़े तो उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर पाएँ। JPG फॉर्मेट में इसलिए सेव करना चाहूँगा क्योंकि मैं उसको पोर्टेबल बनाकर कहीं किसी को सेंड भी करना चाहूँगा जिसको मैं ग्रीटिंग भेजना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको PSD फॉर्मेट में सेव करते हैं। फाइल के टाइप में हम इसको फाइल में सेव करेंगे कंट्रोल एस, तो ये बॉक्स खुलेगा आपका। और दो तरीके सेव कर सकते हैं, तो फाइल में जाएं, सेव ऑप्शन दबाएं, या फिर कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल के सामने आएगा। आप जिस जगह पर सेव करेंगे, मैं माई पिक्चर्स में सेव कर रहा हूँ उसको। और फाइल के टाइप में हमने ऑप्शन दिया है PSD, जो हम ओरिजिनल फाइल सेव कर रहे हैं पहले। PSD ऑप्शन दिया, फाइल का नाम रखा है हमने ग्रेटिंग और हमने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप गौर करेंगे कि उसका टैब पर वो फाइल का नाम आने लग जाएगा .psd के साथ। इसका मतलब हमारा फाइल .psd में अब सेव हो चुका है। अब दोबारा से कंट्रोल एस करेंगे, अब किसे सेव एज ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे, कोई कंट्रोल एस करेंगे तो फिर से वही PSD फॉर्मेट में ही हमारे चेंजेस सेव होंगे। अब हमें करना है सेव एज, सेव एज फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज में हम अब फाइल के टाइप को चुनेंगे JPG। JPG चुनने के बाद उसका नाम वो ग्रीटिंग है, अब नाम हो जाएगा उसका ग्रीटिंग .jpg, जो अब तक फाइल का नाम था greeting.psd। तो एक अलग नई कॉपी बन जाएगी इस PSD फॉर्मेट की, जो JPG में कन्वर्ट हो जाएगी, रेंडर हो जाएगी। अब सेव करेंगे, अब ये फाइल जब JPG सेव करेंगे तो JPG का एक ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आएगा, उसमें गौर करें और 10 वैल्यू रखें और ओके करें, और आपका फाइल JPG में उस लोकेशन पे सेव हो चुका है। जैसे आप ओके करेंगे, वो फाइल आपकी उस लोकेशन पे सेव हो चुकी है जिस लोकेशन में आपने चूज करके सेव किया था। हमने जो सेव किया था उसको माई पिक्चर्स में सेव किया था और JPG फॉर्मेट में सेव किया था। अब हम माई कंप्यूटर में जाके उस जगह पर जाएंगे और चेक करेंगे, देखिए हमारी फाइल वहाँ पर दिखा रहा है greeting.jpg, उसको हम डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो वो आपके सामने वो फाइल ओपन कर दिखाएगा। और अब ये जो फाइल है ये एज ए ई ग्रीटिंग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी फोटोशॉप की फाइल में, इमेजेस में, कहीं पर भी हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करके उस पर अलग अलग आयामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो ग्रीटिंग के लिए हो, चाहे वो किसी ब्रोशर के लिए हो, चाहे वो किसी पब्लिशिंग मटेरियल के लिए हो, वेबसाइट के लिए हो, किसी के लिए भी हो। ये टेक्स्ट को खूबसूरत बनाकर हम फोटोशॉप में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था वो फोटोशॉप यूजिंग टेक्स्ट था, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को ऑनलाइन वीडियो को दोहरा कर भी देख सकते हैं
और आज के लिए जो टेक्स्ट में था वो इतना ही था। धन्यवाद।